अल्लाह ताला छोटे मसाइल भेज रहा होता है ताकि बड़े मसाइल ना खड़े। आई थिंक इट कैन बी फार मोर वर्स देन व्हाट वी आर टुडे। ऐसा ही है सर। डोंट यू थिंक? बिल्कुल ऐसा ही। व्हाट इज अबाउट दैट? बहुत उससे ज्यादा और टफ, बहुत खराब हो सकता है इससे ज्यादा। यू येट नॉट श्रीलंका? ऐसा ही अभी तक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, येट कम बैक हो सकता है, ऐसा हो सकता है। तो हमें आज रिफ्लेक्ट बैक करना चाहिए कि ये दुनिया की मैथ्स जब फेल हो जाती है ना, यू हैव टू कम बैक टू सुपरनैचुरल। आप जब आपकी दुनिया की मैथमेटिक्स फेल हो जाएगी, आपको अपनी रूहानियत पर, अपने ताल्लुक बिल्ला पर वापस आना होता है, तौबा इस्तगफार पे वापस आना होता है, ताकि अल्लाह का अल्लाह वो दरवाजा खोले जो मैथमेटिकली नहीं खुल सकता। मैथमेटिकली आप IMF विल ब्रेक योर बैक, क्योंकि आपने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं ना दुनिया में, आपने खुद क्रिएट करा, आपने क्रिएट किए हैं, आपने बातें की हैं, आपने नारे लगाए हैं, वहां भी जा रहे हैं, कभी यहाँ भी जा रहे हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। बिल्कुल प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई। थैंक्स सर। ऐसा ही चाइना इज वेटिंग फॉर यू टू ऑफर समथिंग बिग, एंड जिम्बाब्वे का जो उसने हाल किया था, उसके एयरपोर्ट्स तक उसके पास थे, दिखा जाएगा आपको। अगरचे आपका एलाय है, बराबर वालों से हम दोस्ती कर नहीं सकते, उनके मसाइल हैं हमारे, हमारी कुछ टॉप गन्स के मसाइल हैं इंडिया के साथ, हम हमारे बहुत लेवल्स के इश्यूज हैं उसके साथ, ईरान के साथ भी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, सऊदीया के मामले के अंदर। एक तो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। आप पिवट स्टेट है ना सर? बिल्कुल ऐसा ही है। सारे प्रॉब्लम्स के बीच में आप, ऐसा ही है। सेंट्रल एशिया का प्रॉब्लम अलग, सेंट्रल एशिया लेता है। रशिया से आप दोस्ती कर सकते थे, मगर यूक्रेन के मसले में आप फिर कर फंस गए। तो जब आप पांचों जगहों के ऊपर, और फिर आपके पास देने के लिए भी बहुत कम रह गया। बिल्कुल ऐसा ही है। A lot of your assets have been sold out. तो ऐसे हालात के अंदर कौम को सिवाय अल्लाह पर तवक्कुल, जिक्र अस्कार, तौबा इस्तगफार के मैं तो और कोई दर्स नहीं लूंगा। मैथ्स आप चलें, कुछ लोग एडवाइस करेंगे जी बॉर्डर खोल दें, स्मगलिंग अलाउ कर, लेकिन ब्लैक कितना कर लेंगे आप? बिल्कुल तो मुल्क तो नहीं चला सकते आप, नहीं चला सकते। कुछ कहेंगे जी बलोचिस्तान के कुछ हिस्से को लीज पे दे दें, गवादर को लीज पे दे दें, KP का कोई हिस्सा भेज दें उसके ऊपर, फिर लोकल सिविल राइट्स आपके मसले खड़े कर देंगे। जी हमारा ही मुल्क पंजाब को बचा के आपको पूरी पाकिस्तान बेचने का शौक। बिल्कुल। पोर्ट्स आपकी वैसे ही बड़े अरसे से गिरवी रखी, गिरवी है, लीज हुई हुई है। आई थिंक यू आर नॉट लेफ्ट विद मच ऑप्शंस, और एंड में इन्होंने जो है आवाम का मजीद गूदा निकालना। हाँ, पाकिस्तान का जो इलीट तबका है उसके पास इतना पैसा है कि वो कर्जे भी माफ करा सकता है, मुल्क भी चला सकता है, मगर स्टेक पे वो उसके भी तो वो बहुत कुछ मनवाएगा ना आपसे। ऐसा ही है। अयूब खान के दौर में आपको 22 फैमिलीज नहीं हजम हो रही थी, बिल्कुल आज 2200 फैमिलीज हैं। तो दे कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ द क्राइसिस, मगर उसकी वो प्राइस लेंगे। हर चीज की प्राइस होगी, और वो प्राइस तो डिसाइड करना है बड़े प्लेयर्स ने कि आप देंगे या नहीं देंगे। सो आई थिंक इस सारे के बीच के अंदर जो प्राइवेट हैंड्स हैं, मेरी उनको एडवाइस ये है, जैसे मैं थोड़ा बहुत छोटा वेलफेयर का काम कर रहा हूँ, कुछ आप कर रहे हैं, और जो जो प्राइवेट सेक्टर है वो ही प्राइवेट सेक्टर की हेल्प पे आएगा सबसे पहले। मैथमेटिकली गवर्नमेंट कितना रिलीफ दे देगी, उसको तो अपने फंसी हुई। यहाँ पे तो हुकूमत गरीब है और इलीट्स अमीर है। ऐसा ही है। सीन ही ऑन है।